भारत की लगभग आधी क्रिकेट टीम बिना किसी एडवर्टाइजर के खेल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी नाइकी ने इंडियन क्रिकेट टीम से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है। कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करा, जिसके बाद लगभग आधी टीम के बैट पर कोई स्टिकर नहीं है। मनीष पांडे, अक्षर पटेल और उमेश यादव को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे में बिना स्टिकर के बैट से खेलते देखा गया था। वहीं केदार जाधव के बैट पर उसे बनाने वाले का लेबल लगा हुआ था। भारत में क्रिकेट बैट को स्पॉन्सर करना एक महंगी मार्केटिंग एक्सरसाइज है। टॉप प्लेयर्स जैसे विराट कोहली और एमएस धोनी के बल्ले पर एक साल के लिए अपने लोगो लगाने के लिए कंपनियों को 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि नाइकी इंडिया इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है और 2014-15 में कंपनी का घाटा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। सूत्रों का कहना है कि नाइकी इंडिया की तरफ से मेरठ में बल्ला बनाने वाली किसी कंपनी के पास 2 साल से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया है। नाइकी क्रिकेट में पैसा लगाने वाला सबसे बड़ा स्पॉन्सर बना हुआ है। टीम की क्रिकेट किट को कंपनी करीब 60 करोड़ रुपए हर साल BCCI को देकर स्पॉन्सर करती है। हालत ये है कि नाइकी को लॉस कम करने के लिए भारत में 30% स्टोर्स बंद करने पड़े हैं। NMF News की रिपोर्ट।